अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अहमद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड शो। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी और एक जनाजे का खौफनाक वाकया। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाबुल मदीना कराची में होने वाला एक दिलखराश वाकया है। एक नौजवान की शादी है और रुख्सती की तारीख भी आ गई और कल रुख्सती होनी है, और आज शुक्रान के नफिल और सदका खैरात करने की बजाय शैतान की पैरवी में डांस पार्टी और महफिल सजाई गई। रात भर शोर मचाने के बाद जब फजर की अजानें शुरू हुई तो बजाय नमाज को जाने से लोग सोने के लिए चले गए। दूल्हा भी बिस्तर पर चला गया। रात भर की थकान की वजह से गहरी नींद आ गई। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दिल थामकर सुनिएगा। जुमे का दिन था, माने दिन के 12 बजे थे। माँ ने किसी को भेजा कि मेरे लाल को उठा दो, जल्दी से गुस्ल कर ले और तैयार हो जाए, आज उसकी दुल्हन घर आने वाली है। दूल्हे को जगाने के लिए एक अजीज पहुँचता है, आवाज देता है, दूल्हे मियाँ। जवाब नहीं दे रहे। ओ, इतनी भी क्या थकान की आँख ही नहीं खुल रही। जब हिला ढुला कर देखा तो चीख निकल गई, ये तो हमेशा के लिए सो गया। उस दूल्हा का इंतकाल हो चुका था, कोहराम मच गया। शादी का घर मातम में बदल गया। जहां अभी धूमधाम से शहनाइयां बज रही थीं, वहां पर चीखों पुकार मचने लगी। जहां पर अभी हंसी के फुब्बारे उबल रहे थे, वहां पर आंसुओं की धारे बहने लगी। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर हो गया। वो कुछ देर बाद जिसके सर पर सेहरा बांधकर सवार करना था, अब दूल्हा को जनाजे की चारपाई पर सवार किया गया। वो बराती जो शादी हॉल में जाने वाले थे, वो उस जनाजे को कंधों पर लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिए। वो दूल्हा रोशनी से निकलकर अंधेरी कब्र की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अब उसे फूलों की कुर्सियों पर बैठने की बजाय कीड़े मकोड़ों की दहशतनाक कब्र में रखा जाएगा। अल्लाह हू अकबर, देखते ही देखते उस दूल्हा को कब्र में उतार दिया गया। आज मच्छर का डंक सहा नहीं जाता तो कब्र में बिच्छू का डंक कैसे सहोगे। भाई अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये जितने भी शैतानी तोहफे हैं, इन सबसे बचे रहिए। अल्लाह आपकी और हमारी इन तमाम से हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आगे जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयरिंग से किसी के ये बात दिल में उतर जाए, वो इंसान इन शैतानी फिरकों से बचा रहे। तो दिल खोलकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश।